नमस्कार। जन सरोकार मंच पर मैं डॉक्टर वंदना गुप्ता अपने दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं जन सरोकार मंच के केंद्र बिंदु देवेंद्र जोशी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जो हमें समय समय पर मंच देकर हमें अपनी बात रखने का एक अवसर प्रदान करते हैं। और आज हम जो विभिन्न महिलाएं जुड़े हुए हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम एक विषय को लेकर यहाँ पर आए हैं, और विषय है हमारा हमारा समय, महिला कामगार श्रमिकों की दशा और दिशा। इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्र की जो महिलाएं सिलीगुड़ी शहर की जुड़ी हुई हैं, उनकी अपनी एक पहचान है। वो हमारे शहर की विशिष्ट महिलाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं और विभिन्न तरह के कार्यों से महिलाओं के सुधार हेतु अपना प्रयास कर रही हैं। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगी प्रतिमा जोशी जी का। प्रतिमा जोशी जी भूटान में कई वर्षों तक शिक्षिका रही हैं और इसके साथ साथ वो एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हैं। ये इनकी मुख्य पहचान है कि ये लगातार 17 वर्षों से नारी शक्ति नामक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हैं। नारी सशक्तिकरण, महिला तस्करी, घरेलू हिंसा इत्यादि जैसे विषयों पर जो ये महिलाओं की मदद करती हैं, और विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं आती हैं और उनके निदान हेतु, उनके समस्याओं के निदान हेतु ये बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हैं। और इसके साथ साथ इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक पाषाण प्रतिमा अभी हाल में ही 13 नवंबर 2022 को उसका विमोचन हुआ था। नमस्कार प्रतिमा जी। इसके बाद इसी क्रम में मैं दूसरा परिचय अर्चना जी का देना चाहूंगी। अर्चना जी बालिका विद्यापीठ की प्रधानाचार्या हैं और विभिन्न साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। एक पहल नामक इनकी इनका एक काव्य संग्रह आया हुआ है और ये अपने कार्यों के द्वारा और विभिन्न क्षेत्रों मंथन जैसी संस्था से जुड़ी हुई हैं। ये भी जो है महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करती है महिलाओं की दशा और दिशा को सुधारने का। इसी क्रम इसी में क्रम में मैं मैं धन्यवाद। अपना परिचय करा मैं परिचय कराना चाहूंगी इंद्रजीत कौर जी का। ये भी पेशे से शिक्षिका हैं, वह हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ ये भी लेखन में बहुत दिनों से निबंध, कहानी, लघु कथा इत्यादि लिख रही हैं। अभी हाल में ही इनकी एक पुस्तक आई है, कहानी का संग्रह है, ओला ड्राइवर करके। और मैम भी महिलाओं के साथ साथ बच्चियों की जो है मनोदशाओं को समझकर उन्हें एक राह दिखाने का प्रयास करती हैं। ये इनकी एक विशिष्ट पहचान मैं कहूंगी। इसी क्रम में मैं रीता दास जी का परिचय कराना चाहूंगी। रीता दास जी एक उत्साही और कर्मठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये 17 वर्षों से कार्यरत हैं। दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान वर्तमान समाचार, न्यूज एजेंसी, भारत दर्पण आदि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों में पत्रकारिता का काम करती आ रही हैं। और उसके साथ साथ वर्तमान में ये दैनिक जागरण सिलीगुड़ी की उप संपादिका भी हैं, उसके उप धन्यवाद। संपादक के पद पर जो है कार्यरत हैं। हम इस क्रम में अपना मैं परिचय कराना चाहूंगी प्रेरणा यादव जी का। प्रेरणा यादव एमएससी बीएड हैं और इसके साथ साथ निरंतर जो है लिख रही हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में इनकी अपनी पकड़ है और आगे आने वाले दिनों में इनका एक काव्य संग्रह भी आ रहा है। अब मैं बात करती हूँ, अपने विषय पर आती हूँ, मुद्दे पर आती हूँ कि अनवरत चल रही हैं स्त्रियां समाज का बोझ अपने कांधे पर उठाए। अनवरत चल रही हैं स्त्रियां समाज का बोझ अपने कांधे पर उठाए और चलती रहेंगी समाज की धुरी पर साधने निरंतरता समाज की, देश की और परिवार की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अतीत में, अगर हम अतीत की बात करें फिर हम वर्तमान की बात करते हैं कि हमारी जो स्त्रियां हैं समाज की, वैसे हम आधी आबादी हैं विश्व की, परंतु जब हमने अपने कदम निकाले परिवार से बाहर,
जब वो कार्यरत हुई, और आप आज वर्तमान में हमारी स्थिति ऐसी है कि हम परिवार के दोनों ही सदस्यों को काम करना पड़ रहा है, चाहे वो ऊंचे तबके की स्त्रियां हो, मध्यम वर्ग की स्त्रियां हो या नीचे तबके की स्त्रियां हो, हम सभी जो है आर्थिक बोझ परिवार का उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है, वो कौन सी समस्याएं हैं, उन पर, उन मुद्दों पर जो है हम अपनी चर्चा रखेंगे। इसी क्रम में मैं सबसे पहले प्रतिमा जोशी से पूछना चाहूंगी एक प्रश्न कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की महिलाओं की समस्याएं जो है आपके सामने आती हैं। अगर हम श्रमिक कामगार महिलाओं की बात करें तो शायद इनसे जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा आपके सामने आती हैं, तो वो कौन सी समस्या है जो बहुत ज्यादा आपके सामने आती है और उसके निदान हेतु आप क्या प्रयास करती हैं? धन्यवाद वंदना जी आपका सवाल। में मैं ये कहूंगी कि जैसे कुछ कभी कभी मैं देखती हूँ लड़कियां पढ़ लिख कर अच्छा उसका रिजल्ट आया है और उसे कहीं उसने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो उसे जब नौकरी मिलती है, खासकर जब मैं देखती हूँ पहाड़ की लड़कियां दार्जिलिंग कालिम्पोंग मिलिक, तो वहां की लड़कियों को जब मतलब लड़की किसी को नौकरी मिली है तो उनके माँ पिता जी उन्हें जाने नहीं देते बाहर। ये एक आश्चर्य की बात है, वो सोचते हैं कि बस वही पहाड़ तक ही उनकी मतलब उनकी जीवन रेखा वहीं तक सीमित है, क्योंकि वह बाहर जाने देने से अपनी बेटियों को बहुत डरते हैं। तो उन्हें समझाना पड़ता है कि नहीं, घर से बाहर निकल के देखो। तो ऐसे कई महिलाओं के साथ ऐसा हम लोगों का सामना हुआ है, तो मैंने कहा उनसे कि आप बाहर जाने दो, क्योंकि वो सिर्फ वहीं तक ही रहना चाहती है। उससे बाहर जब जाती है तो कभी कभी महिलाएं जो बाहर देश में जाती है उनसे बहुत बड़ी घटनाएं घटती है, तो ऐसे में देखा जाता है कि वहां के मतलब पेरेंट्स अभिभावक उनको जाने नहीं देते। तो अभी तो बहुत कुछ मतलब सुधर रहा है, धीरे धीरे बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो आप उन्हें मतलब मैंने कहा कि जो समस्याएं लेकर वो आपके पास आती हैं तो उसके निदान हेतु आप क्या उन्हें रास्ता दिखाती हैं या क्या उनको कहती हैं कि कैसे करें और कैसे आगे बढ़ें? वो मतलब परिवार का विरोध करके अगर वो आगे निकलती हैं तो उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में उन्हें आप क्या सलाह देती हैं? जैसे देखिए कभी कभी तो क्या होता है कि बच्चे खुद ही मतलब बाहर जाना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको यहाँ के जो उनके पास में जो जो भी पुलिस स्टेशन है उनको बताना पड़ता है या फिर एनजीओ से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि वो बाहर जा रहे हैं, तो इसके बाद ही वो लोग जाते हैं। तो कभी कभी हो जाता है वहां उनके जैसे एजेंट के संपर्क में रह के वो लोग जाते हैं, तो वहां उनके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी पासपोर्ट को छीन लिया जाता है, उन्हें गलत रास्ते में धकेला जाता है। तो ऐसा सब कुछ उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए हम लोग बताते हैं। मेरा दूसरा सवाल जाता है अर्चना मैम जी को। मैम आप एक विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, तो आप देखती हैं कि जो कार्यस्थल में जो महिलाएं कार्यरत हैं, जो आपको कहेंगे प्यून हैं या पानी पिलाने का काम कर रही हैं या कुछ निम्न तबके की जो स्त्रियां हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है और महिलाओं का उत्पीड़न भी होता है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के सुधार हेतु आप क्या उनको सलाह देती हैं? सबसे पहले नमस्कार वंदना जी, सुंदर प्रयास के लिए। कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका जो हम देख रहे हैं उस पे दिशा और दशा पर जो टॉपिक रखा है बहुत ही अच्छा है। मैं कहना ये चाहूंगी कि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है जरूर है, परंतु आज हम ये देखें, आपका क्वेश्चन का मैं आंसर अभी दूंगी, तो पहले मैं थोड़ी भूमिका बांधना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि पूर्व कालीन भारत में स्त्रियों की दशा जो थी, परंतु अभी एक स्त्रियों की नई दिशा मिली है,
ठीक है, स्त्रियों की दशा पहले जो थी उनको पर्दे की प्रथा में रखा जाता था, उनको निकलने नहीं दिया जाता था, उनको शिक्षा से वंचित किया जाता था, बाल विवाह करा दिया जाता था, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। परंतु आज हम देख रहे हैं स्त्रियां, चाहे वो कल्पना चावला हो, चाहे प्रतिभा पाटिल हो, इंदिरा गांधी हो, मदर टेरेसा हो, हर दिशा हर जगह अपना परचम लहरा रही, इवन एवरेस्ट तक भी पहुंच चुकी है महिलाएं। हाँ, आपका प्रश्न जो ये है कि आज जो महिलाएं जो है वो अगर किसी बंधन में, किसी बंधन में बंध कर निकल नहीं पा रही हैं, काम नहीं कर पा रही, तो आपका क्या प्रयास रहता है? अभी तो देखिए वंदना जी, अभी ऐसा कोई सिचुएशन मेरे सामने अभी तक आया नहीं था। हाँ, एक बार ऐसा आया हुआ था कि एक मेरी प्यून है, वो स्कूल में काम, बेचारी मतलब फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस था, उसका हस्बैंड बहुत शराब वगैरह पीता था, तो मेरे पास आई, काम मैम मिलेगा, काम करना चाहती हूँ। मैं बोली हाँ बिल्कुल मिलेगा काम, तो मेरे को उस समय जरूरत भी थी अपने विद्यालय पर, ठीक है। परंतु उसको काम में रखने के बाद फिर दूसरे दिन उसका पति अपना शराब वगैरह पी के, मेरा पत्नी क्यों काम करेगा, हम कमाएगा, जैसे पुरुष प्रधान समाज का जैसे होता है जमाना, उसी प्रकार का सिचुएशन सामने आया। तो फिर दूसरे दिन मैं उसको, जब वो ड्रिंक नहीं किया होता तो फिर बुलवा के बात वगैरह किया कि भाई ऐसा नहीं है, इनको भी काम करने दो, इनके पास जो पैसे आएंगे उससे क्या हो गया, आपके दो बच्चे हैं, उनका ठीक से गुजारा होगा, अभी आप अगर कुछ पैसे कमा रहे तो कुछ पैसे ये कमाएंगी तो आपका परिवार थोड़ा अच्छे चलेगा, आपके बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो आपका अच्छा बेहतर जिंदगी हो जाएगा, आप भी एजुकेट, आप भी कुछ समझेंगे और बच्चे आपके एजुकेटेड होंगे, तो उसका प्रभाव शायद उस पर पड़ा और वो कंटिन्यू फिर उस प्रकार से प्रताड़ना देना, बीच बीच में काउंसलिंग करना, उसकी प्रताड़ना देना उसको पत्नी के साथ कम हो गया और विंदास रूप से वो काम करे। उसके बाद घर से निकलना का जो एक डर था कि मैं घर से कैसे निकलूंगी, मेरे को तो काम करना है, मेरे पति के पैसे से मेरा घर नहीं चल रहा है, तो इस प्रकार की जो उसकी मेंटेलिटी थी कि नारियां काम नहीं करेगी, औरतें मतलब घर के अंदर, औरतें मतलब चूल्हा चौका, औरतें मतलब लड़के बच्चे और औरतें मतलब पति की सेवा, इस भावना से थोड़ा सा शायद मुक्ति मिली और अच्छे तरह से वो अपनी जिंदगी जीवन निर्वाह कर रही, उसके पति की भी मानसिकता में। अब देखिए वंदना जी, बात ये है ना कि जब तक हम लोगों की मानसिकता को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। मर्द हमेशा खराब नहीं होता है, उनको एक काउंसलिंग, उनको एक नई दिशा और उनको एक नया माहौल, एक बदलाव नया मिलने से सब कुछ। अभी हम अगर ये कहें कि आज भी औरतों को दबा कर रखा जाता है, आज भी औरतों को मतलब प्रताड़ित किया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये कहना ठीक नहीं होगा। कहीं कहीं औरतें अपनी प्रताड़ना की खुद भी जिम्मेदार बनती हैं, खुद निकलना नहीं चाहती, खुद कुएं की मेढक बन जाती हैं, इसलिए शायद वो तकलीफ वहन करने की उसमें क्षमता, जैसे आज हम और आप हैं, हम लोगों को भी का हमको भी सामना करना पड़ा था, एडजस्टमेंट किया, सब कुछ करके हम लोग आज अपने परिवार को अच्छे से चला रहे हैं, कर रहे हैं, यही है बस। अगर हम खुद सजग हो जाए, नारियां खुद सजग हो जाए, तो किसी के मजाल नहीं है कि हमारी हौसलों को वो उड़ान ना हो और हमारी हौसलों को वो दबा दे। इसी के साथ धन्यवाद, फिर आऊंगी आप लोगों के साथ आपके प्रश्नों का जवाब लेकर। धन्यवाद जी। मैं तो मैम आपका ये कहना है कि जो निम्न स्तर की या श्रमिक जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा संघर्ष झेलने पड़ते हैं समाज में, मध्यम वर्गीय जो स्त्रियां हैं या उच्च वर्गीय की जो स्त्रियां हैं, उच्च वर्ग तो एक अपनी अस्मिता की तलाश के लिए या कुछ जो वो पढ़ी है उसके लिए जो है वो काम करना चाहती है, लेकिन जो निम्न तबके की स्त्रियां, श्रमिक स्त्रियां हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है और वो चाहती है कि उनके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें और परिवार में जो आर्थिक स्थितियां उससे उबरने के लिए जो है वो काम के लिए जाती हैं, तो उनके लिए जो संघर्ष है वो हम महिलाओं से कहीं। मैं तो वंदना जी एक बात और बोलूंगी मैं कि अभी तो मैं अपने स्कूल की एक प्यून का उदाहरण, मेरे घर में ही जो मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाने, तो उसका पति केवल शराब पीकर बैठा रहता है और वो बिचारी दिन भर आकर उसको उद्देश्य खाली बोलती है मैम अमा के खाली अमद्र बच्चा के मानुस करते हुए, और वो आती है अपना काम काम करके जाती है और अपने बच्चों को पढ़ाने का ही उसका एक उद्देश्य कि मेरे जैसे मेरे बच्चे ना बने, और बहुत मेहनत करती है, जाती है, पति मारता है, मार खाती है, सुबह सर पे घाव लेकर आती है सुबह के दिन, मतलब इस टाइप से चलता है, प्रताड़ना चल रही है, परंतु प्रताड़ित होकर भी पति को छोड़ नहीं पा रही, पति मोह उसका। जी जी, तो यही बात मैं रखना चाहती हूँ, इंद्रजीत मैम से पूछना चाहती हूँ कि
इन स्त्रियों को हम उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति कैसे सचेत करें? आप भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें जो कामगार महिलाएं हैं उन्हें जो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जाता है, तो वो किस प्रकार से अपनी सुविधाओं के अधिकारों की मांग करें और उनके क्या कर्तव्य हैं वो भी जो है वो जाने, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना? सबसे पहले क्योंकि नमस्कार सबको और आपको बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा विषय चुनने के लिए। और मैंने प्रतिमा जी और अर्चना मैम की भी बातें सुनी। आपने जो मुझसे सवाल किया उसमें पूछा आपने कि उन लोगों की इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्हें कैसे समझाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, जागरूकता उससे बड़ा हथियार है। अगर ये दो टूल्स उसको मिल जाए और वो हम उनको समझा पाए तो मुझे लगता है कि वो समझ जाए। और धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, परंतु फिर भी क्योंकि हमारी स्कूली शिक्षा बहुत ही किताबों पर आधारित है तो इसलिए उस शिक्षा को हम उससे नहीं फर्क पड़ सकता। इसके लिए अलग अलग जगहों पर वैसे तो कई ऐसे एनजीओ हैं जो गांव में जाते हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज के द्वारा उनको समझाया जाता है कि तुमको अपने अधिकार कैसे लेने हैं, तुम अगर काम के लिए निकलोगी तो तुम्हारे परिवार को कितने लाभ होंगे, और उन सब के बेनिफिट बता करके उन सब के जो उसके परिवार पे और उसके जीवन में जो एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा वो समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये सदियों की बात है तो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे प्रयास करने की जरूरत है और उसको अपने मानसिक तौर पर इतना तैयार करने की जरूरत है कि अगर तुम्हारे परिवार को जरूरत है घर से बाहर निकल के काम करने की तो तुम्हें निकलना है। अगर तुम्हारे घर को तुम्हारे घर पर रह करके तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है तो तुमको वो करना है। मतलब ये दिमाग में उसको ये समझाना सिर्फ बाहर निकलना ही परिवार के भलाई के लिए अच्छा है ऐसा भी नहीं होता है। खाली आर्थिक तौर पे अगर वो सपोर्ट करती है तो ही अच्छा होगा ऐसा भी नहीं है। वो अपनी जागरूकता और अपनी स्किल्स को बढ़ा करके कौशल को बढ़ा करके किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी परिवार को आवश्यकता है वो अगर करती है तो उसका परिवार आज जिस स्थिति में उससे बहुत बेहतर हो सकता है। जब ये जागरूकता आ जाएगी तो उसके अंदर से वो भय भी चला जाएगा कि मैं बाहर निकलूंगी तो मेरा पति मुझे जाने नहीं देगा, पति को कन्विंस करना भी आ जाएगा, और अगर वो नहीं मानता तो उससे मुकाबला करके भी बाहर निकलने की उसमें इच्छा शक्ति बहुत बलपूर्वक वो निकल पाएगी क्योंकि उसको सही बात सही तरीके से समझ में आएगी और उसको मनवा पाएगी। तो सबसे पहले वही है कि जागरूकता और जो आपकी शिक्षा है सही शिक्षा नॉट किताबी वाली, अगर ये दोनों हम उसके अंतर में डाल पाए तो मुझे लगता है कि ये संभव है बहुत हद तक। और जो कि हो भी रहा है आज आज हम सब बैठे हुए हैं वो शायद इसी का नतीजा है कि आज हम उस बात पर चर्चा कर पा रहे हैं और जो शायद हमें सुनने वाले हैं वो भी चाहते हैं। तो ये चाहत अगर हमें पैदा हो जाए कि हमें परिवर्तन लाने हैं तो वो परिवर्तन होगा। आपका कहने का मतलब है कि हमें उनकी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने की आवश्यकता है। तो मेरा प्रश्न जाएगा रीता मैम के पास कि सरकार के द्वारा और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ऐसे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हम कागजों की बात अलग होती है, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो जो श्रमिक वर्ग की जो स्त्रियां हैं, चाहे वो मछली पालन कर रही हो, चाहे वो खेतीहर मजदूर महिलाएं हो, चाहे वो इमारत बनाने का काम कर रही हो, चाय बगानों में काम करने वाली स्त्रियां हैं, वास्तव में उनकी जो उन्हें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिलती नहीं है। कागजों में बहुत सारी चीजें लिखित रूप में रहती हैं। तो रीता जी आप बताएं कि इस क्षेत्र में और हम आगे कैसे महिलाओं को सचेत कर सकते हैं कि जो उनके अधिकार हैं, जो कागज में लिखी हुई चीजें हैं वो हक हमें मिले, तो हम किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं कि उन्हें उनका पूरा हक मिले, ऐसे कदम हम उठाएं, ऐसे कौन से वो कदम हैं जिसके लिए हम उन्हें तत्पर करना चाहिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय को
विषय का चयन किया। और जहां तक आपके सवाल है कि जो असंगठित क्षेत्र है तो उसमें जो महिलाएं हैं, चाहे वस्त्र उद्योग हो, चाहे चर्म उद्योग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आभूषण हो, एक सर्वे कहता है कि मैम कि इन क्षेत्रों पे यदि देखा जाए संख्या के दृष्टिकोण से तो 70% महिलाएं ही काम करती हैं। और उसमें जो सर्वे की रिपोर्ट कह रही है वो भी 21 से 30 साल की उम्र, मतलब वो अविवाहित रहती है और ज्यादा श्रम देती है। तो जब मैनेजमेंट के जो टॉप बॉस है लेकिन रहते हैं पुरुष, मतलब 30% पुरुष इन 70% महिलाओं का मतलब श्रम का किस तरह से शोषण करते हैं। उनका कहना है, जो उसका जो मालिक है, कि ये जो महिलाएं होती है ये इनको कम लागत में एक तो मिल जाती है, इन पे कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, चाहे ये संगठित नहीं होती, इनको जल्दी से छटनी भी किया जा सकता है। अब कोरोना काल में देखिएगा महिलाओं को बहुत अधिक छटनी हुई, खासकर जो घरेलू जो कामगार महिलाएं हैं, जो आपको मतलब 1,000-2,000 रुपए में आपको जो सेवा देती है उनको ही वायरस बता के हटा दिया गया। तो और उन लोगों को मतलब क्या, इन लोगों को मतलब मातृत्व का जो अवकाश है वो भी नहीं दिया जाता है। तो एक एक जो कहा जाए कि स्त्रियों का किस तरह से मतलब हाशिए पे जो चली गई है, उसका जो शोषण हो रहा है, इसको लेके जो ट्रेड यूनियन भी सत्ता के पक्ष के साथ मतलब मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन इनको लेके एक उद्योगों का जो स्त्रीकरण जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आपको याद होगा मैम एक नाम आपका, खांडेरबाई, पुणे की खांडेरबाई का आंदोलन, नव उदारवादी नीति के पहले 1980 का दशक है। वो क्या थी खांडेरबाई, क्या थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, एक वो 6 दिन के लिए बीमार हुई थी, मात्र 6 दिन के लिए बीमार हुई था, तो उसे क्या किया, मतलब काम से निकाल दिया गया था। तो उस महिला ने क्या किया, अपने वो ट्रेड यूनियन के पास नहीं गई, किसी मंत्री संतरी के पास नहीं गई, उसने अपने जैसे 150 महिलाओं को एकत्रित किया और आंदोलन पे उतरी। तो उसी का, उस खांडेरबाई के आंदोलन का ही परिणाम है कि हमारी जो काम वाली बाई, जो घर में मैट के रूप में हम उसे इस्तेमाल करते हैं और चुटकियों में उसे हम निकाल देते हैं, आज वो 4 दिन यदि छुट्टी पे आए तो हमारे पास दूसरी मतलब एक लिस्ट है कि अब उसको हमको निकाल देना है। तो ऐसे ही खंडेरवाई की स्त्रियों को मतलब चाहे वो अशिक्षित हो, अकुशल हो, अपने आप को मतलब यदि वो मजबूत करेगी तभी वो अपने हक के लिए, अपने श्रम के लिए वो लड़ पाएगी। चाहे आप जितने भी आप ये इस तरह से तो मतलब असमानता का या शोषण का या उसका वेतन को कम करने का, ये चारों तरफ है, ये आप ये नहीं है कि मतलब जो फैक्ट्री में जो काम करती है उनका भी है, आप चाहे आप शिक्षण संस्थान प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी देख लीजिए, एक एक मेल का जो मेल पुरुष श्रमिक है या फिर प्रोफेशनल है उसकी सैलरी और एक फीमेल की सैलरी, दोनों में बहुत ही फर्क है। उनको कहते हैं रात में उसको दिक्कतें होती है, ये दिक्कतें होती है, तमाम तरह की चीजों को लेके इस तरह से मतलब हमारा एक कुचक्र जो है वो चलता जाए। तो ये महिलाओं को अपने स्तर पे एकजुट होके आंदोलन करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में मैं आपसे दोबारा रूबरू होंगी। अभी मैं प्रेरणा जी से पूछना चाहूंगी कि जैसे रीता जी ने कहा है कि जो श्रमिक महिलाएं हैं या कामगार महिलाएं हैं, हम वर्ग में अभी विभाजित नहीं करके हम आपसे ही बातचीत करना चाहेंगे कि उनको जो बुनियादी सुविधाएं वो प्राप्त नहीं होती है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर हम देखें सरकारी जो नौकरी में है उन्हें अभी 2 साल की छुट्टी मिलती है, चाइल्ड केयर लीव मिलती है और उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं है, लेकिन जो कामगार स्त्रियां हैं उनके लिए इस प्रकार की छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है। मातृत्व का जब वो भार ग्रहण करती हैं तो इस प्रकार की छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है, कुछ उनके कुछ लिए भी अच्छे शौचालय नहीं है, क्रेच की व्यवस्था नहीं है, वो अपने बच्चों को घर में छोड़कर जाती हैं यदि श्रम करने के लिए, तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आप भी कुछ ऐसे उपाय सुझाएं ताकि जो है महिलाओं के लिए उनके जो बुनियादी अधिकार है, उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें प्राप्त हो सके। नमस्कार प्रेरणा जी। जी और मैम बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ये संवाद रखा है। मेरा कहना है कि मातृत्व के अवकाश तो इन्हें मिलता नहीं है ये जी, और जी। जैसे मेरी कोई काम वाली है और मेरे छोटे बच्चे हैं और मैंने किसी को हायर किया हुआ है, तो अगर मुझे पता चला वो प्रेग्नेंट है या वो ऐसी कोई उसके साथ कुछ चीज़ें हैं, तो मैं सबसे पहले सोचूंगी कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, मैं उसे चेंज करने का ही सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आएगा। एक और जो आम जो महिला है या आम जो जो मालिक है वो यही सोचेगा कि अब ये काम करने के लायक तो
नहीं रही है, मतलब मुझे उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो महिलाएं, जो कामगार महिलाएं हैं, उनमें से सबसे ज्यादा ये लोग काम जो करते हैं वो असंगठित क्षेत्रों में करते हैं। तो संगठित क्षेत्रों की चीजों को तो हम मैनेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराती है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों का तो कुछ भी नहीं है, आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए तो सबसे पहले उन्हें, मेरे ख्याल से कि आसपास कुछ एनजीओज वगैरह होने चाहिए जहां कामगार महिलाओं के नाम दर्ज हो कि हाँ ये जो है ये फलाने, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर फैमिली में काम कर रही है इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, या इसको मातृत्व लीव चाहिए, मतलब ये सारी चीजों को वो कहीं पे अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं वो मेंशन कर सके। कोई एक ऐसी संस्था या एनजीओस वगैरह उनके हक के लिए होनी चाहिए जो एक्चुअल में उनके हक के लिए काम करे, वो ऐसा ना हो एनजीओ कि वो मालिक को सिर्फ परेशान करने के लिए हो। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी कि क्रंचेस जो आंगनवाड़ी जो चीजें हैं, आंगनवाड़ी जो है वो एक्चुअल में बहुत हेल्पफुल है अगर उसका सही से यूज होगा। तो जैसे छोटे बच्चे हैं अगर किसी कामगार श्रमिक महिला की, तो वो अपने बच्चे को वहाँ पे दे रख सकती है और जहाँ पे उसका प्रॉपर ध्यान रखा जा सकता है तो वो आराम से काम कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ महिलाओं की संख्या बढ़ी है, कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है, तो इसका असर श्रमिक महिलाओं पे बहुत पड़ा है, क्योंकि अब महिलाएं जो पहले, अभी से 20-30 साल पहले जो महिलाएं घर पे ज्यादा रहना प्रिफर करती थी या उनको जॉब की उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब गरीबी के कारण उन्हें भी काम पे जाना पड़ रहा है, तो उन्हें एक कोई ना कोई चाहिए जो उनके घर को संभाल सके। अब इस प्रोसेस में वो किसी ना किसी को हायर कर रही है, तो उससे वो जो श्रमिक महिलाएं जो घर पे काम करने आ रही हैं, उनका पारिवारिक जो ये है वो संतुलन वो बिगड़ रहा है, क्योंकि वो घर पे अपना 24 घंटे तो यहाँ अपने मालिक के घर पे रह रही है, जो महिला काम करने जा रही है, तो इससे वो अपने घर पे जो ध्यान दे सकती थी जो श्रमिक महिला है वो आप उतना नहीं दे पाएगी, क्योंकि हमने 5-6 हजार दे करके उसके काम को तो खरीद लिया है, तो उसका जो सामाजिक पूरा जो संतुलन है वो क्या हो गया है, वो बिगड़ गया है। वो अपना जो उसकी मानसिक स्थिति मानसिक जो एक चीज होता है वो थोड़ा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया हुआ है। तो ये स्थिति, इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तो मेरे ख्याल से एनजीओस वगैरह की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जहाँ पे जो श्रमिक महिलाएं हैं उनको उनका नाम हो, वो कहाँ काम करती हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सब चीजें और उनका संगठित होना बहुत जरूरी है। जी अवश्य। अब मेरा पुनः प्रश्न जाएगा प्रतिमा जोशी मैम के पास कि वर्तमान में जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, विभिन्न मंचों से बात होती है, हमारे द्वारा भी बात होती है, तो महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि हम उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति आत्मनिर्भर बनाए ताकि उनका जो स्वाभिमान है, उनका जो स्तर है वो ऊंचा उठ सके और वो देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सके। तो आपकी जो संस्था है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, अधिकारों के अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का सही प्रयोग करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कार्य कर रही है? सबसे पहले तो आपकी संस्था का नाम भी है नारी शक्ति, तो सशक्तिकरण की बात बहुत हो रही है वर्तमान युग में, तो हम कैसे मतलब सशक्त बने, या जो कामगार महिलाएं हैं उन वो अपनी पारिवारिक स्थितियों में ही इतनी उलझी होती हैं कि जो सशक्तिकरण की बात है वो नहीं कर पाती है, अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाती, वो कहती है कि जो मिल रहा है तो चलो ठीक है उसमें ही हम गुजारा कर लेंगे, तो ऐसे में हम उन्हें कैसे सचेत करें अपने कर्तव्यों के प्रति, अधिकारों के प्रति, ताकि उनका जो स्तर है, उनका जो आत्मबल है वो जो है निखर सके और वो लड़ सके अपने अधिकारों के लिए। सबसे पहले बात तो यह है वंदना जी कि महिलाओं को आज तक अभी भी उनके अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, उन्हें ये हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम से उनको समझाते हैं। और बात वही बात यह है कि महिलाएं तो वैसे ही शक्तिशाली है, सिर्फ पहचानना है, खुद को पहचानना है, अपने अंदर जो शक्ति है ये शक्ति अंदरूनी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और हमारी संस्था से मैं आपको ये बताऊं कि जितने यहाँ हम देखते हैं बहुत सारी संस्थाएं, और अभी तो नारी शक्ति नाम से बहुत सारी संस्थाएं खुल चुकी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सशक्त बनाने का अर्थ ये नहीं है कि आप मतलब
वो तो पहले से ही है शक्तिशाली, लेकिन उनको सशक्त करने के लिए हम ये उनको ये समझाते हैं, सबसे पहले अपना अधिकार जानो, खुद को पहचानो और अपने अंदर जो कोई भी कला, स्त्रियों के अंदर कुछ ना कुछ तो रहता ही है, उन्हें पहचानो और उस सीप को बाहर निकालो। और मेरा ये मानना है, मैं पहले से ही मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये है ही कि एक ही घर में जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो बेटा और बेटी का जो भरण पोषण है उसी में ही वो डिफरेंशिएट आता है, उसी में ही, मतलब बचपन से ही बेटियां, मतलब अपने माँ बाप ही उसे कमजोर बनाते हैं, वो इस तरह से कमजोर बन जाती है कि घर के चार दीवारी से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल रहता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे बेटियों को बहुत ओवर प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करके उनको रखा जाता है, उनको सब कुछ दिया जाता है, मान लिया उनको शिक्षा भी दी, फिर नौकरी करने नहीं देते, जैसे कि वो अंतिम पड़ाव पर आती है जब उनके वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो समाज में अपने अस्तित्व का या अपने वजूद को निखारना चाहती हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहती है, वहीं उनके कदम रोक दिए जाते हैं। जी, वो आप आगे बोले उस पर। तो ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा देने का अर्थ है कि उनको उड़ने के लिए पंख देना। अगर आप वो नौकरी करना चाहती है और आप उसको डैने काट देते हैं, फिर वो कैसे उड़ेगी, उसके सारे अरमान धरे के धरे रहते हैं। और लोगों का ये ऐसा मानना है, हर एक माता पिता का, कि बच्ची बड़ी हो गई अब शादी दे दो। मैं वही सोचती हूँ कि शादी को क्यों इतना महत्व दिया जाता है, शादी तो कभी ना कभी होगी, लेकिन शादी के बाद की जो जिम्मेवारियां हैं उनको समझना और समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्ची घर से निकलेगी नहीं तो उसे तो कुछ पता ही नहीं रहता, वो तो सिर्फ ख्वाब देखते रहते हैं, देखती है कि मेरी शादी हो जाएगी, मैं वो हीरो हीरोइन जैसा ही उसकी शादी होगी, सब कुछ सिनेमा की तरह होगा, लेकिन जब वास्तविकता उनके सामने आती है, तो मैंने तो ऐसे बहुत लड़कियों को देखा है जो शादी से पहले क्या थी और शादी के बाद उनका क्या हश्र होता है। इसीलिए हर माँ बाप को बेटी को आत्मविश्वास देना बहुत जरूरी है, उन्हें पहले सक्षम बनाए, शिक्षित तो करती है, सक्षम बनाए। और हमारे संस्था ये जो कहते हैं ना कि पहले कहा जाता था कि लड़कियों को शिक्षित करो, वो भी हुआ, सुसंस्कृत करो, वो तो है ही, उसके बाद स्वनिर्भर बनाते हैं, उसके बाद भी लड़कियों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी संस्था समस्त नारी को हिम्मत दो, हिम्मत देने का काम माता पिता जरूर करें। थी कि जो शारीरिक श्रम करने वाली महिलाएं हैं उनको कहने का तात्पर्य है कि साक्षर बनाना बहुत जरूरी है विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं काम कर रही हैं। तो आप तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हैं, प्राचार्या हैं, तो इन निरक्षर स्त्रियों को, जो कामगार स्त्रियां, उनको साक्षर बनाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसा मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी। मेरे यहाँ एक मासी, इसका नाम मीना मासी, काम करती थी पहले, ठीक है, और एक दो जन और थे, उनको कुछ लिखना नहीं आता, जब भी उनको बुलाया जाए साइन करने के लिए तो अपना अंगूठा दिखाती है, ऐसे मैं मामी तो जानी ना, हमको तो अंगूठा लगा, बोल नहीं अगले बार तुम साइन नहीं करेगा तुमसे कुछ भी काम नहीं करेगा। तो मैं सच में बोल रही हूँ, प्राउड फील करती। वो कैसे अगर उसके बेटे को बुलाया, बोले माँ के शिकायतें हो तुम आके ले, सिग्नेचर करना आना ही पड़ेगा, नहीं आओ अभी टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी करके वो साइन कर रही है, काका गागा सीखी, तो ये प्रयास ही तो था जो उसको एक सिग्नेचर करने योग्य बनाया। गार्जियन आते हैं बहुत सारे, मैम ऐसे ऐसे गार्जियन रहते हैं, आपको मैं क्या बताऊँ, जो बिल्कुल जब साइन, जो पेरेंट्स कॉल होता है गार्जियन को बुलाया जाए तो बोलते साइन नहीं कर पाते हैं, तो मैं बच्चे की तरफ देखती हूँ, घूर के देखती हूँ बच्चे की तरफ, तुम क्लास 10 पढ़ रहे हो या 12 पढ़ रहे हो या 7 पढ़ रहे हो, तुम अपनी माँ को लिखना नहीं सिखा सकते हो? सॉरी मैम, आपसे सिखाऊंगा। जब दूसरी तीसरी बार आते हैं तब थोड़ा बहुत लिखना माँ सीख जाती है। तो ये मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, निरक्षर को साक्षर बनाना कोई बहुत बड़ी मुहिम नहीं है, एक एक इंसान और एक एक को गोद ले लेना साक्षर को, तो दुनिया पूरी साक्षर हो जाएगी। तो ये अपने स्कूल से भी हम लोग देखते हैं कि जो माँ को हम लोग देखते हैं साइन अंगूठा लगा रही है, तो उसके बच्चे को बुलाते हैं कि भाई अपने माँ को अगले बार तुम कम से कम उनका नाम लिखना तुम सिखाओ, इतना तो कर सकते हो ना? हाँ मैम ट्राई करेंगे। वो ट्राई भी करते हैं और बच्चे माँ को सिखा भी देते हैं।
अगर अगर मुझे ऐसा लगता कि नहीं ये जरूरत ही नहीं कराने की, तो मैं बोलती नहीं, तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि हाँ इस बच्चे को उसकी माँ को लिखना पढ़ना सिखाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और वो माँ भी खुश हुई कि हाँ चलो भाई मेरे को एक लिखना काका काका मेरा नाम तो मुझे लिखना आया। तो एक मुहिम है, जिस मुहिम में हम सब साथ हाथ मिलाकर साथ चलें तो हमारी जंग में जीत होगी। और क्या है, साक्षर सभी साक्षर होंगे, सभी महिलाएं साक्षर होगी, और एक महिला साक्षर होती है तो एक घर ही नहीं पूरा देश ही साक्षर हो जाता है, ये तो पता ही है आप लोग को। धन्यवाद वंदना जी। हमारे सामने दो बातें आ रही है, दो जैसे कि प्रतिमा जोशी मैम ने कहा कि नहीं हमें माता पिता को समझाना चाहिए कि वो जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, और दूसरी तरफ अर्चना मैम कहती है कि जब कुछ निरक्षर माता पिता आते हैं तो हम उनके बच्चों की तरफ देखते हैं, यानी बच्चों को कहते हैं कि अपनी माँ को जो है साइन करना सिखाओ, या अपनी माँ को जो है इस ऐसा बना दो कि वो जब आए आगे आने वाले दिनों में तो कुछ लिख सके। तो वास्तव में आपका जो कहना है कि अगर हम एक ही व्यक्ति को साक्षर बना देते हैं अपने प्रयास के द्वारा, तो शायद उस व्यक्ति के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही अर्चना मैम। तो मैं इंद्रजीत कौर मैम से कहना चाहूंगी कि हम पेरेंट्स को समझाने के लिए, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए, या जो निरक्षर पेरेंट्स हैं उनको जो है शिक्षित करने के लिए, जो बच्चों के को हम लगाएं या प्रयास करें कि कुछ लोग उनको साक्षर बनाने का प्रयास करें, तो इस दिशा में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं एक बात ये लेके चलूंगी, अर्चना मैम ने जो कहा कि वो बच्चों के माध्यम से ही उनके पेरेंट्स को शिक्षित करवाने का जो एक मुहिम उन्होंने चलाया और उसमें वो सफल भी होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन प्रतिमा जोशी मैम जी ने जो अभी बात कह रहे थे उसको मैं आगे लेके चल के फिर मैं अपने प्रश्न का जवाब देती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की बात अक्सर की जाती है, और मुझे लेकिन हमेशा से ये लगता है कि महिला, जैसे मैम ने कहा कि महिला सशक्त है, एक सामाजिक ऐसा ढांचा बना कि जैसे कहते हैं ना कि किसी की लाइन को, किसी को अपने से छोटा दिखाना हो तो अपनी लाइन बड़ी करने की बजाय हम दूसरे की मिटा दें, ये बहुत सबसे अच्छा और आसान तरीका है। तो हमारे समाज में बहुत समय से ये होता रहा है कि महिला क्योंकि बहुत अंदर से भी बहुत सशक्त है, बाहरी तौर पे भी बहुत सशक्त थी भी, और ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए वाली ये भय जो शायद था पुरुषों के बीच में, उन्होंने उसकी लाइन मिटा करके उसको असशक्त बताना शुरू किया, और फिर ये मुहिम चली कि महिलाओं को का सशक्तिकरण करना है। मुझे अक्सर ये लगता है कि सशक्तिकरण अगर करना है, महिला सही तरीके से समाज में रह पाए, तो सबसे पहले पुरुष को यहाँ से सशक्त करने की जरूरत है। वेरी गुड, बहुत सही। आज महिलाओं को समस्याएं हैं, तो अभी जैसे रीता मैम ने कहा कि 70% महिलाओं को 30% पुरुष ऊपर आकर करते हैं, उनका यौन उत्पीड़न भी होता है, उनसे अधिक काम भी लिया जाता है, उनको पैसे भी कम दिए जाते हैं, तो करता कौन है, ये पुरुष, पुरुष की मानसिकता सही नहीं है। आज हमारे घर के बच्चे हैं, अगर हम अपने घर के बेटे को ऐसी शिक्षा दें कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना है, हर माँ एक औरत है वो समझती है कि ये समस्याएं हैं, तो वो इतनी सशक्त बने कि वो अपने परिवारों से ये मुहिम चला दें कि तुम अगर किसी ऑफिस के मालिक हो, तुम अगर किसी इंस्टीट्यूट में कुछ काम कर रहे हो, तो तुम्हारे आसपास आने वाली महिलाओं के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तुमको उनके साथ ना उनका उत्पीड़न करना है ना उनका शोषण करना है, ऐसे ही शिक्षा दें कि वो उनके लिए खड़ा हो सके। तो धीरे धीरे अगर हर एक परिवार अपनी इस जो समझ को घर से आरंभ कर दे, घर से वो स्कूलिंग शुरू हो जाए, पुरुषों का सशक्तिकरण होगा तो स्त्रियों का सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो सब बंद हो जाएगा। ये हो सकता है आप लोग को लग रहा है कि ये बहुत ही अजीब सी सोच है, पर मुझे लगता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम और एक्चुअल हल इसी में ही छिपा हुआ है कि सशक्तिकरण स्त्री का नहीं, क्योंकि वो तो सशक्त है ही, वो निकलती है काम करने तो वो कर लेती है, उसको जो रोल दीजिए जिस भूमिका को दीजिए वो बहुत बेहतर तरीके से कर लेती है। पहले वो घर में काम करती थी तब भी बहुत अच्छा करती थी, बाहर निकलती है तब भी बहुत अच्छा करती है, इनसिक्योरिटी आती है तो पुरुषों के अंदर में, और तब ये सारा तामझाम शुरू हुआ, और देन उसको
बताना शुरू किया कि भाई ये कमजोर है कमजोर है कमजोर है, और देन उसके बाद चलो अब मुहिम चालू हुई कि इसको सशक्त करना है सशक्त करना है। भाई नहीं, पुरुष को सशक्त करना है, यहाँ से मानसिक तौर से सशक्त करना है, ताकि वो जब समाज में स्त्री बाहर निकलती, अब हमने आर्थिक तौर पे तो हम अपनी मदद करने के लिए बाहर निकलते हैं, हमारी जो टीचिंग क्षेत्र है उसमें तो ऐसा नहीं होता, पर जो निचला तबका है जो इन उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, घर के काम में लगे हुए हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न भी होता है, आर्थिक उत्पीड़न भी होता है, शोषण भी होता है, तो वो करने वाला तो पुरुष होता है और कहीं कहीं पर घरों में तो स्त्रियां भी होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जाकर के हमको बेसिकली इसका मुद्दा ये निकालना है कि जहां समस्या है उस पर चोट करते हैं, ठीक है। तो महिला अपने आप ही सशक्त होकर के वो बाहर निकलेगी। तो जागरूकता और साक्षरता, जो आपने कहा कि अगर पढ़ लिख जाती है, चाहे वो पेरेंट पढ़ाए या फिर पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ाकर सशक्त करे, दोनों में ही सिर्फ साक्षर होना एक पहला कदम है, वो शुरुआत है। उस साक्षरता से जब वो पढ़ेगी कि मेरे लिए अधिकार कहाँ कहाँ है, तब वो उनका इस्तेमाल करेगी। इसलिए अगर पहला कदम उठाएगी तो बाकी सारे कदम भी सार्थक होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि वो सशक्त है, ये उसको समझ में आ जाएगा और वो अपने अधिकारों को लेना और मतलब समझना और लेना शुरू कर देगी। धन्यवाद जी, जी. मैं रीता जी के पास आना चाहूंगी। रीता जी ने बहुत सारी बातें की, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपना जो वक्तव्य रखा था। अभी इंद्रजीत मैम ने जो बात कही कि पुरुष की मानसिकता को सशक्त करने की आवश्यकता है, ये हमारा मुद्दा एक अलग हट के मुद्दा बन रहा है। वो अवश्य ही है कि पुरुष को मानसिक रूप से सशक्त करने की आवश्यकता है, और अगर हम इस विषय पर जाएंगे तो हमें बहुत सारे विरोध, बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ेगा। और वास्तव में है कि मानसिक रूप से अगर पुरुष बदल जाए तो स्त्रियों के लिए जो उनका जो संघर्ष है बहुत कम हो सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिलाएं जो है सामाजिक और पारिवारिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, या वास्तव में वो सामाजिक और पारिवारिक जीवन की एक स्रोत हैं, और पारिवारिक स्थितियां उन्हीं के द्वारा जो है उन्हीं के सामंजस्य के द्वारा, उन्हीं के संघर्ष के द्वारा जो है सही तरीके से चालित होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि आर्थिक रूप से जब सहयोग करने के लिए हमारी जो स्त्रियां तत्पर होती हैं, ऐसे में जो असंगठित क्षेत्र की महिला कामगार स्त्रियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप बात कर रही थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? जैसे हम बात कर रहे हैं कि उन्हें उनका शोषण होता है, उनका उत्पीड़न होता है, उन्हें जो है सही तरीके से पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है, तो ये जो समस्याएं हैं इनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? या आपका जो न्यूज पेपर है, आपका जो न्यूज पेपर है वो किस तरह से जो है काम कर रहा है ऐसी महिलाओं के लिए? मैम, मैं एक आंकड़ा लेना चाहूंगी फिर, चूंकि पत्रकारिता क्षेत्र से हूं तो बिना आंकड़ा से, बिना डाटा से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है ये, ठीक है, जिसमें 2009 से 2011 का सर्वे है, जिसमें टीनेजर्स मतलब आपका मतलब 19 साल से कम जो लड़कियां हैं, उसमें मैम प्रतिमा जोशी मैम ने कहा था कि किस तरह से बाहर जब जाती हैं लड़कियां, किस तरह से असुरक्षा का माहौल मतलब हमारे यहाँ है। तो मैम 35,500 लड़कियां हमारे 2 साल में लापता है, बाहर काम करने गई, उनका ट्रैफिकिंग हो गया। और यदि महिलाओं की बात की जाए जो शादीशुदा है, तो 1.5 लाख महिलाओं का कोई लता पता नहीं है, कहाँ गई है महिलाएं, मतलब कई काम फिर करने जा रही है, कहीं जा रही है, तो वो क्या है, वो एक तस्करी का शिकार होते जा रही है, ठीक है। तो ये एक आपका है, जैसे ही वो चार दीवारी को जैसे ही लांघती है, तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हिंसाएं, मतलब हमारा जो डाटाबेस कह रहा है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स जो का जो डाटा है आपका, वो इस तरह से 2 साल में हम लोग को देखने को मिल रही है। मैं अनामिका जी एक बहुत चर्चित कवित्री है, 2005 में उनकी एक कविता है पतिव्रता, मैं 2 लाइन मैम यदि हो तो अनुरोध, तो मैं
कहना चाहूंगी। जरूर 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 जरूर। शीर्षक है घर में घुसते ही, घर में घुसते ही जोर से दहाड़ते थे मालिक, और एक ही डांट पर एकदम पट, और एक ही दहाड़ पर एकदम पट ले जा लेट जाती थी वे दम साध कर। तो एक पति उसका मालिक घर में होता है, तो किस तरह से एक महिला अपने पति के अंडर में, एक परिवार के अंदर में सुरक्षित नहीं है। मैम जरूर, मैं रोज मतलब ऐसी कोई दिन नहीं है कि उसको गला दबा के मार दिया गया, उसको ये करके काम तो छोड़ दीजिए। आपके परिवार में जो आप देख रही है राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स, मैंने भी वहां पे पढ़ाई की है, तो जो लड़कियां जो आती है निम्न मध्य वर्ग की, जो आप मैम ने, इंद्रजीत मैम ने, अर्चना मैम ने जिन्हें कहा कि बार बार शिक्षा देने की, तो उनको पानी भर के लाना है, उनको आटा मतलब गूंद के स्कूल जाना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बच्चियां कैसे मतलब उसका अपने स्किल को डेवलप, वो तो बस कैसे घीच तान के क्लास 10 उसको पास करना है। तो सोच सकते कि हमारे हमारी व्यवस्था में, हमारी पारिवारिक व्यवस्था में, हमारी सोच में किस तरह की समस्या है, कहाँ फुटेज है, वहां कहाँ मतलब फांक है, उस फांक को जोड़ने की जरूरत है। ये जो डांट है, ये घर का जो मालिक बन बैठा है, जो पति है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा पति परमेश्वर है, हमें हमारा सब कुछ है, तो इस सोच को, इस जो है मध्यकालीन जो मानसिकता है, ये सामंती जो सोच है, वहां पे बदलाव की, बदलाव यदि आएगा तो बाहर में भी बदलाव आएगा। मैं बार बार मैं निर्मला भुरारिया के गुलाम मंडी की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे पिता, ठीक है, घुंगरू नाम है, वो अपनी बेटी को बेच देता है। एक पति जो है इस कहानी, इस उपन्यास में देख रही हूँ कि लक्ष्मी जो है, ठीक है, उसके पति को मतलब शराब का इतना शौक है, मतलब शराब ना मिले तो पागल हो जाए। तो एक दिन क्या करता है, अपने मित्रों को, अपनी पत्नी को एक घंटा से शुरू करता है सुलाना, ठीक है। तो किस तरह से दैहिक उसका शोषण हो रहा है। तो ये चारों तरफ से, चाहे आपका पिता है, पति है, बाहर बॉस है, तो ये आप कितनी असुरक्षित है आप घर में और बाहर में, तो इन सबके बीच में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो कामगार महिला है, जो कम शिक्षित है, अपने अधिकारों के बारे में कम जानती है, पुलिस चौकी वो कम से उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। तो हमने कफन भी पढ़ा है, किस तरह से बुधिया घिसु और माधव का मतलब पेट पालती रहती, बहुत दूर नहीं जानूंगी, साहित्य का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है कि महिलाएं वहां पर किस तरह से किस किस रूप में आई है। 1936 का दौर है जहां बुधिया पिसती जा रही है। तो ऐसे में एक सुरक्षा जो है, जिस तरह से संगठित क्षेत्रों में, यदि मैं रात को 10 बजे, मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बोल रही हूँ, यदि मुझे 10 बज रहा है ऑफिस में, तो मेरा प्रबंधन जो है कह रहा है कि नहीं, मुझे सुरक्षित होकर मुझे घर पहुंचाया जा रहा है। उसी तरह से असंगठित क्षेत्रों में जहां 70% महिलाएं काम कर रही है, 5 घंटा घर में भी काम कर रही है, यदि वो ओवर टाइम काम कर रही है, रात को यदि उसे काम करने की जरूरत पड़ रही है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी, उसके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी, मतलब वहां का जो उद्योग का जो मालिक है उसको उठाना पड़ेगा, चाहे आप टी गार्डन का क्षेत्र हो, चाहे जहां भी हो। तो इस तरह की एक मतलब जो श्रम विभाग है उसके, इस तरह से बहुत सारे लॉज है, लेकिन वो क्रियान्वयन में नहीं होते मैम, इस तरह की चीजें। जी जी जी, तो आपका कहने का मतलब है कि जो जी 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 आपका बहुत बढ़िया, इसी तरह से है। हाँ जी जी जी, किस तरह से बहुत महिलाएं जो शिक्षित है खुल के बोल रही हैं। जी जी जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी है, और आपने निम्न तबके की महिलाओं की समस्या रखी है, निम्न तबके की नहीं, हम कहेंगे कि सभी तरह की, इस तरह से महिलाएं ना बाहर सुरक्षित है और ना घर में सुरक्षित, घरों में, तो है ना, घरों में भी सुरक्षित नहीं है। जैसे हमारी बातचीत इंद्रजीत मैम से हुई, बहुत सारी बच्चियां हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आती है और बताती हैं कि कैसे कैसे उनका यौन उत्पीड़न होता है। बच्चियों से जब हम बातचीत करते हैं, वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में होती है, और उन्हें हम शिक्षिकाएं डांट भी देते हैं, और मुझे पता है कि जो हमारी बच्चियां फ्रस्ट्रेशन में होती हैं, उनकी आंखों को देखकर मैं पहचान लेती हूँ। इसलिए मैं अपनी शिक्षिकाओं को बोलती हूँ कि नहीं, इस बच्ची को बिठाओ, पहले इसकी समस्याओं को सुनो, उसके बाद ही जो है आप लोग उसको डांटो कि उसने क्लास क्यों नहीं किया, या वो पढ़ क्यों नहीं रही है, उसका ध्यान कहाँ पर है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है और परिवार में उन्हें कैसे सताया जा रहा है। एक ही बच्ची की बात मैं बताती हूँ कि एक बच्ची की माँ जो है, उसके पिता नहीं है, वो जो कला मूवी है,
ये मूवी जो बनाई गई है वो बच्ची जिस तरह से बता रही थी तो मुझे लगा कि कला मूवी का उसकी मानसिकता पर असर हुआ है, परंतु नहीं, उसके परिवार में 3 बहनें हैं। बड़ी बहन जो है पढ़ भी रही है और काम कर रही है, पिता नहीं है, और जो दूसरी बहन है 10 में पढ़ती है, क्लास 10 में पढ़ रही है, तो उसके साथ उसका एक भाई पैदा हुआ था ट्विंस, तो वो गिर गया था और वो उस समय मर गया था। तो उसकी माँ उसे बार बार, तीसरी उसकी बहन 9 में पढ़ती है, तो उसकी माँ जो है बार बार उसे यही बात कहती है कि तुम मर जाती तो बहुत अच्छा होता। तो इसके कारण से वो बच्ची बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ रही है, कौन सा लेसन पढ़ रही है। वो कहती है शिक्षिकाओं को कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती है। शिक्षिकाएं नाराज हो जाती हैं और सभी जो है मिलकर उन्हें डांटना उसे डांटना शुरू करती हैं। तब मैं उसको बिठाती हूँ कि नहीं, पहले मुझे इसको पूछना है कि ये किस तरह से प्रताड़ित हो रही है। तो हमारी जो हम कहेंगे कि स्त्रियां ही हमारी बच्चियों को जो है इस तरह की मानसिकता में ढकेलती है, इन बच्चियों का भविष्य क्या होगा? तो सही बात है कि हम पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जो है अपनी बच्चियों को इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं कि जो है उनका भविष्य जो है गर्त में चला जाता है। तो हमारी जो महिलाएं हैं वो बाहर भी सुरक्षित नहीं है और घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह से हम क्या ऐसा प्रयास करें, या विभिन्न सामाजिक जो संगठन है ऐसा क्या प्रयास करें कि महिलाएं उससे उबर सके? जो दकियानूसी जो बातें हैं उनको जो है सिखाते रहे हैं हमारे पेरेंट्स, या हमारा समाज जो सिखाता रहा है उससे वो भी अभी तक जो है उबर नहीं पाए हैं, और उनकी मानसिकता भी बच्चियों के प्रति अभी सही नहीं हो पाई है। इस दिशा में हमें क्या कार्य करना चाहिए, ऐसे उनकी मानसिकताओं को निखारने के लिए हम क्या कार्य करें? प्रेरणा जी, ऐसे आप बताएं कि कौन सा ऐसा प्रयास हो ताकि जो है कुछ महिलाएं कुछ हद तक जो है इस तरह की मानसिक स्थितियों से निकल पाए या उबर पाए। मैम, ये इसका तो एकमात्र जवाब जो है वो शिक्षा ही है। शिक्षा ही है जो इंसान को समझा सकता है कि स्त्री पुरुष जो है नहीं, जो वो शिक्षित नहीं है वो अब उनकी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, परंतु बड़ी होने के बावजूद भी वो जो है अपनी बच्चियों को इस तरह की मानसिक यातनाएं देती हैं, तो इन मानसिक यातनाओं से वो कैसे उभरे? जी, मैम, इसके लिए हमें जैसे कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हम उन्हें बता समझा सकते हैं। बहुत सारे नुक्कड़ नाटक होते हैं मैम उनके द्वारा कि अभी ये स्थिति ऐसी नहीं है, जो पुराने जमाने में जो पुरानी पंथी बातें होती थी कि बेटा अलग है बेटी अलग है, अब ऐसी बातें नहीं है, सब चीजें बराबर है, सिर्फ लिंग का फर्क है, बाकी सारी चीजें जो है वो सब बराबर ही है, सब दोनों एक समान काम कर सकते हैं, दोनों सशक्त हैं। इसीलिए अब ये सोच जो है मैम वो हम एग्जाम्पल्स के द्वारा भी इसको समझा सकते हैं कि अब हमें मतलब अगर राष्ट्रपति है एक पुरुष है तो वो एक महिला भी हो सकती है। एग्जाम्पल ही है मैम, जो अशिक्षित लोगों को अगर हम समझाना चाहते हैं तो एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा ही हम उन्हें समझा सकते हैं, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, मतलब उनके उनको अवेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी बात है मैम कि जो जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसमें भी इस अशिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। जो आप देखना बहुत सारे लोग हैं कि बेटा ही चाहिए क्योंकि ये जो सोच है निम्न तबके में बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन उनकी भी बहुत, मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो निम्न जो जो श्रमिक वर्ग है उनकी जनसंख्या, अगर जो वेल सेटल लोग हैं उनसे अगर तुलना की जाए तो उनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है, और ये संख्या कहीं ना कहीं ये सोच के ज्यादा होती है कि जितने बेटे होंगे या जितनी संतानें होंगी मेरी उतने मेरे हाथ होंगे, उतने ज्यादा पैसे आएंगे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बट होता इसका उल्टा है, स्थिति और दयनीय होती जाती है और दयनीय होते होते एकदम खत्म ही हो जाती है। तो मैम ये जो है अवेयरनेस, ये तो गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने ही पड़ेंगे, और क्योंकि एक सोच है मतलब एक सोच है भारतीय समाज में जो रही है सदियों से, उसको दूर करने के लिए तो बहुत अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा मैम इसको, मतलब निचले स्तर तक शुरू, ऊपर से तो मध्यम वर्ग तक तो आ गई है, लेकिन निचले स्तर तक जाने में शायद अभी थोड़ा समय और लगेगा। ये हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा इस चीज को कर सकते हैं, और कुछ ये भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे परिवारों को, मतलब जिनमें से बच्चियां हैं, जो प्रोग्राम वो कर भी रहे हैं, जैसे कि कर भी रहे हैं, चाइल्ड है उसको उसको बैंक के द्वारा, सरकार के द्वारा इस तरह के काम हो रहे हैं। जी, अब लेकिन जो सोच है मैम वो तो उसको बदल, जैसे मैम ने अभी इंद्रजीत मैम ने कहा था कि जो सोच है उसको सशक्त करने की जरूरत है, तो ये सोच तो मैम तभी सशक्त होगी जब हम अपनी सोच को बदलेंगे ना। अभी हम दूसरी पुरानी पंथी बातों को लेके चलेंगे तब तो फिर बहुत मुश्किल है, हम इस सोच को बदलना ही पड़ेगा मैम।
जी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें जो उनकी मन की संकीर्णता है उनको निकालने का प्रयास करना है। और ये शायद हम आप कह रही हैं कि हम निम्न तबके की बात नहीं करें, जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं और जो उच्च वर्गीय महिलाएं हैं वो भी इस तरह की सोच रखती हैं कि बेटा ही सब कुछ है और बेटा ही जो है उनका बुढ़ापे में उनका सहारा है। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बेटा नकारा भी निकल जाता है लेकिन बेटियां जो है अपने माता पिता का दामन नहीं छोड़ती हैं उनकी मुसीबतों में उनका। मैं क्षमा चाहूंगी मैम, यहाँ बेटा और बेटी की बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर बेटा भी अच्छा है तो ठीक है, बेटी भी अच्छी है तो ठीक है, हम किसी एक संतान पे क्यों निर्भर करें? हम अपना डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अच्छी हूँ या मैं बुरी हूँ, मेरा बेटा आगे चलकर ये करेगा या मेरी बेटी करेगी, ये तो हम अनावश्यक उस पर हम भार दे रहे हैं। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जी। तो यहाँ पे जो हमारी बातें आ रही थी, मानसिकता की बात आ रही थी, उसी मानसिकता की मैं बात कर रही हूँ कि जब तक पूरी तरीके से मानसिकता नहीं बदलेगी, इंद्रजीत मैम ने यही कहा है कि पुरुषों की मानसिकता नहीं बदलेगी, यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की मानसिकता भी बदलनी बहुत जरूरी है। कि पढ़ लिख कर भी अगर हम उन्हीं मानसिकता उन्हीं संकीर्णताओं में जकड़े रहेंगे तो हमारे समाज की जो दशा और दिशा है वो विकास की ओर नहीं जा पाएगी। तो निश्चित तौर पर ये बातें आ रही हैं कि जो समस्याएं हैं महिलाओं की, कामगार महिलाओं की, या उनकी जो मानसिक उत्पीड़न भी होता है, शारीरिक उत्पीड़न भी, शारीरिक शोषण भी होता है, तो इन समस्याओं के समाधान हेतु बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आए। और हम आगे आने वाले दिनों में शायद हो सके तो जो आदिवासी महिलाएं हैं जो चाय बगान पर चाय बगानों में काम कर रही हैं, तो ऐसे मुद्दे लेकर, ऐसे ज्वलंत मुद्दे लेकर हम आएंगे दोबारा, इस पर चर्चा करेंगे आप लोगों से। लेकिन अभी मैं ये फिर से कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो गिना सके प्रतिमा जोशी जी या इंद्रजीत मैम, जो उनकी जो वो झेल रही हैं उनमें कुछ सुधार हो सके। वो किस प्रकार के सुधार हैं जिन पर सरकार अमल कर रही है, और कौन से ऐसे सुधार हैं जो होने चाहिए उनकी समस्याओं के, जैसे वेतन संबंधी है। आप अगर हम बगानों में देखें, चाय बगानों में देखें, तो बहुत कम स्त्रियों को वेतन दिया जाता है और उनसे 25 घंटे चाय पत्ती तोड़वाई जाती है, और अगर वो पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाती है तो उसका हर्जाना भी, अगर 25 किलो नहीं तोड़ पाती है किसी भी तरीके से तो उसका हर्जाना भी उन्हें भुगतना पड़ता है। तो ऐसे और कौन सी समस्याएं हैं जो जिसमें सुधार लाने की आवश्यकता है? एक प्रश्न छोटा सा, दो चार समस्याएं मैं चाहूंगी कि प्रतिमा जोशी कहें और उसके बाद इंद्रजीत मैम, अर्चना मैम अपनी बात रखें, रीता जी और प्रेरणा जी भी, और इसके बाद हम अपने निष्कर्ष पर जाएंगे। ऐसा है, समस्याएं तो काफी है महिलाओं के लिए, लेकिन जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि पितृसत्ता, जब तक पितृसत्ता का की समाप्त नहीं होगी, ये हर हमारा ये समस्याएं आती रहेंगी कि किसी के अंडर में हमें रहना, और जैसे पितृसत्ता का विपरीत होता है मातृसत्ता, पितृसत्ता मातृसत्ता नहीं, स्त्री और पुरुष को बराबर समानता चाहिए, इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर आप घर से स्त्री और पुरुष का जो बच्चों में ही जो भरण पोषण, तभी से ही अगर आप एक ही प्रकाशन देंगे तो मुझे लगता है आने वाले दिन आने वाली पीढ़ी आएगा, और समस्याएं जो बोल रहे हैं आप, समस्याएं तो लेके बहुत मानना है कि जितना हमें सिखाया जाता कि ऐसा मत करो वैसा मत करो अनुशासन में रहो, ये जो जितनी बंदिशें हैं इसके विपरीत अपने बेटों को भी उतना ही, मतलब उनमें ये सिखाना चाहिए कि वो उनमें वो महिलाओं को सम्मान करने का जो एक है वो कर सके, वो सीख उन्हें देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे सरकार सड़कें तो बना देती है बहुत सड़कें, लेकिन क्या कोई महिला, अकेली महिला उस रास्ते से गुजर सकती है क्या?
क्योंकि हमेशा महिलाओं की सुरक्षा का की बात जो की जाती है, तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए कोई पुलिस तो हर महिला के पीछे पुलिस नहीं दे सकती, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। महिलाओं को खुद ही सुरक्षित रहने का खुद ही को सुरक्षा देनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कराटे वगैरह सिखाओ, ऐसी नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा होना ही चाहिए और उनमें आत्मविश्वास होना ही चाहिए। और सबसे पहले मैं ये बात कहूंगी कि जो श्रमिकों में जो वेतन की बात है या फिर कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर है या फिर आम जैसे कि आप लोग स्कूल में टीचिंग करते हैं, तो हम लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई है कि स्त्री और पुरुष में क्यों ये डिफरेंशिएट है, क्यों ये पार्थक्य है। दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए जब दोनों तरह से श्रम करती है। और मैं तो ये कहूंगी कि महिलाएं ज्यादा श्रम करती है और उनमें वो कुशलता रहती है कि वो हर काम को बहुत ही कुशलता पूर्वक कर सकती हैं। इतना ही कहूंगी जी। मैं अर्चना मैम से पूछना चाहूंगी, अर्चना मैम कौन सी ऐसी जो समस्याएं या सुधार हैं जो कर होने चाहिए महिलाओं की दशा और दिशा बदलने के लिए? देखिए समस्याएं तो महिलाओं के जीवन में, अगर महिलाएं समझे तो समस्या है, नहीं समझे तो सुझाव है। समस्याएं ये है कि जैसे महिलाएं, अब दोहरी भूमिका है घर का काम और बाहर का काम करना, तो उसमें यदि घर के जो पुरुष है वह महिलाओं को साथ में हाथ बटाए तो इसका निदान पहले हो जाता है। दूसरी बात, जब हम ऑफिस में पहुंचते हैं तो ऑफिस में जो हमारे स्तर के ऑफिस है उसमें शैक्षिक ऑफिस है उसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि पुरुष को अलग वेतन दिया जाता है, महिलाओं को अलग वेतन दिया जाता है। वहां पर वेतन की और कार्य की समानता होती है। ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं को 5 पीरियड दिया जाए या 7 पीरियड दिया जाए, पुरुषों को 5 पीरियड दिया जाए। जो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनको शिक्षा क्षेत्र में बराबर ही समानता मिल जाती है। अब अगर जहां पर जिन हम नीचे तबके की महिलाओं की अगर हम बात करते हैं जिनको बहुत ज्यादा शोषण हो, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बहुत बातें हुई कि अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाए। दूसरी, महिला जो सशक्तिकरण में आजकल हम देख रहे हैं हमारी सरकार बहुत क्या बोलते हैं मुहिम छेड़ी हुई है, महिलाओं को रिजर्व सीट होना चाहिए, महिलाओं को ये होना चाहिए, परंतु कामगार कहीं नहीं हो जाता है, कामगार कुछ नहीं होता है। पहले महिलाओं को ये, महिलाओं को ये, अभी दिल्ली में हमने देखा था महिलाओं के लिए सीट सुरक्षित, क्यों, किसी भी सीट में महिलाओं को बैठने का अधिकार है, ये महिलाओं की सीट है, महिला बैठ रही है बिना पैसा के बैठेंगे, क्यों फोकट का बैठेगा महिला लोग। अभी दिल्ली में देखा था मैंने वो जो न्यूज देखी, तो मुझे महिलाएं बिना पैसे की चढ़ेंगी, क्यों, महिला भिखारी है, महिला भी पैसा देके ही चढ़ेंगी, महिला के लिए क्यों इतना, समान अधिकार मतलब समान अधिकार होना चाहिए महिलाओं के, मतलब कहीं वो ऊंचा उठा देते कहीं नीचे गिरा देते हैं, मतलब ये चीज आप कहना चाह रही हैं, इतना ऊंचा उठा दिया कहीं नीचे गिरा देते हैं। समानता का मैं ये कह रही, समानता का अधिकार, हमको इतना वो मत समझिए कि महिलाओं को फ्री में बस दिया जाएगा, महिलाओं को ये नहीं दिया, महिलाओं को समान अधिकार दिया जाएगा, बस ये मुद्दा होना चाहिए समाज में। पुलिस प्रशासन तरफ से रात को लड़कियां निकलती हैं कभी, ठीक है, तो जगह जगह महिला पुलिस की चौकसी भी होनी चाहिए। महिलाओं की अभी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है उनकी अस्मिता को लेकर, उनकी इज्जत को लेकर, दिल्ली में इतने कांड हुए है ना, कभी कहीं भी कुछ कुछ ऐसा सुनाई देता है, तो जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है वो अगर नंबर में फोन करो, इमरजेंसी में कॉल करो तो फोन ही नहीं उठता है। ऑफिस बना दिया गया है कि भाई ये महिला का डिपार्टमेंट है ये है, परंतु तो उतनी पूरी तरह से वो कामगार नहीं हो रहा है। शायद प्रतिमा जी भी मेरी बात में सहमत होंगी कि जितनी हम सुविधाओं देने की झांसा देते हैं उतनी सुविधाएं शायद महिलाओं को मिल नहीं चाहती है। ये एक तो दुख का विषय है। सरकार कोशिश करती है, सरकार इन्वेस्ट कर रही है कि हमारी नारियों को पूरी तरह से सम्मान मिले, पूरी तरह से उनकी इज्जत की रक्षा हम कर सके, तो शायद उनके पीछे जो लोग हैं वो अपने कार्य को फलीभूत नहीं कर पाते हैं। शायद इसीलिए मैं मानती हूँ कि महिलाओं को जो अधिकार और जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से मिल नहीं पाती है। और अंतिम बात मैं ये कहूंगी कि महिलाएं भी अपने में इतनी सशक्त हो जाएं कि किसी पर, जैसे एक मजाक मैं करना चाहूंगी कि पुरुष ने पूछा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अर्थ तो तुमको पता है क्या होता है, तो पत्नी ने क्या तड़ाक से जवाब दिया, आगे के 4 शब्द आप है और पीछे वाली केवल मैं हूँ। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है ना, आप मेरी बात समझे होंगे, कि जो बोले ढोल गवार शूद्र पशु नारी,
तो इसमें क्या है, क्या समझती हो तुम? तो नारी ने बोलता है कि आगे वाले जितने सब है वो आप है और पीछे वाली नारी खाली मैं हूँ। तो वो प्रेजेंट ऑफ माइंड नारी मोना जी की चुटकियों में जवाब दे और पुरुषों की बोलती बंद कर दे। वो अपनी जिस दिन नारी के अंदर ये जागृति आ जाएगी, ये भावना आ जाएगी, समानता का अधिकार तो हमको संविधान ने बहुत पहले दे के रखा है, समान रूप से बोलने का अधिकार, काम करने का अधिकार, खेलने का अधिकार, सब कुछ अधिकार है हमको, पर अपने अधिकार की परीक्षा, अपने अधिकार का आंकड़ा खुद हमको करना पड़ेगा, तभी सब कुछ समान हो जाएगा। और सरकार करती है, सरकार के साथ में मिलकर यदि हम आगे बढ़ते रहे तो सब कुछ समान है, सब कुछ बढ़िया है। धन्यवाद वंदना जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। 1:07:34 हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा बात ही बात है। सर ने हमें छूट दी थी कि अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाए, हमारी परिचर्चा पूरी हो जाए तो ठीक है, हम पुनः दो दो मिनट के लिए या दो एक मिनट के लिए मैं इंद्रजीत मैम और रीता मैम और प्रेरणा जी के पास जाऊंगी। कि जैसे इन्होंने कहा मैम ने कि हमें खुद ही जो है सचेत होना चाहिए, खुद ही जागरूक होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं हम मुसीबत में फंस जाते हैं। और जब हम कभी भी अकेले यात्रा करते हैं, भले ही हम बहुत सक्षम हो गए, बहुत सशक्त हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक दहशत, एक डर हमारे मन के अंदर होता है अकेले यात्रा करने में, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन होता है, हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और हम इस उम्र में भी पहुंच गए हैं। तो इस तरह की सुरक्षा के लिए क्या और भी सशक्त कानून बनने चाहिए, अधिनियम बनने चाहिए, या इस तरह के जो यौन उत्पीड़न है उसकी रोकथाम के लिए अधिनियम के दायरों में इन चीजों को लाना चाहिए, ताकि जो हमारी कामगार स्त्रियां, ठेकेदार और जो बिचौलिया है उनके हिस्सा का शिकार ना हो सके, ऐसे प्रयास होने चाहिए क्या? मैम आप इस संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन करें हमारी महिलाओं का। कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं और उन कानून का जो लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, उसका वो उपयोग कर भी रहे हैं, पर मुझे लगता है कि एक संतुलन जो है वो बहुत जरूरी है समाज के लिए। हम कोई भी चीज जो होती है एक साथ परिवर्तित नहीं होती है, खास करके समाज और देश का जो विकास होता है उसका एक, उसकी एक प्रक्रिया होती है। आप आज जो कदम उठा रहे हैं उसका आपको असर 20 साल 15 साल बाद नजर आता है। तो जो महिलाओं के सशक्तिकरण या उनकी सुरक्षा या उसके खिलाफ आवाज उठाने की जब बात शायद शुरू हुई थी, या उसको भी आर्थिक क्षेत्र या घर में आर्थिक मदद करने की जरूरत है, जब ये सोच दिमाग में आई थी तो ये सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर आज मैं एज ए टीचर देखती हूँ 20 साल बाद, तो मैं देखती हूँ कि अगर आप एक महिला घर से काम के लिए निकल रही है और उसने अगर संतुलन नहीं साधा तो क्या होता है, उसका परिवार बिखरता भी है। और आज मैं बहुत सारे बच्चों को डिप्रेस देखती हूँ, स्कूल में जब आते हैं तो उनको मैं डिप्रेस इसलिए देखती हूँ क्योंकि पेरेंट भी, मदर भी काम करने के लिए जा रही है और फादर भी काम करने के लिए जा रहा है, उसको घर में देखने के लिए, उस टीन एजर के साथ बात करने के लिए उसके पास कोई नहीं है, और वो जल्दी से गलत रास्ते में चला जा रहा है, गलत संगत में पड़ जा रहा है, उसकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र की मजबूती तो आई, पर साथ साथ में जो मानसिकता थी बच्चों की, एक नई, एक पूरी जनरेशन जिसको बहुत सशक्त करने की जरूरत थी, जिसमें एक लड़का भी था और एक लड़की भी थी, वो उसकी गड़बड़ हो गई। तो कहने का मतलब कानून बनना चाहिए, पर उस कानून का हर एक एंगल से, हर एक कोण से क्या समाज पे, क्या परिवार पे, क्या आने वाली जनरेशन पे उसका इम्पैक्ट होने वाला है, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़कर, समझकर, जान करके तब उसको लागू करना और उससे लोगों को जागरूक करके उसकी तरफ भी बहुत जरूरी है। सिर्फ कानून बना देने भर से नहीं होता, उस कानून को लागू करना, कैसे लागू करना, उसके असर को भी इमेजिन करके। अब महिलाएं हैं, निकलती है, किसी के परिवार में भी एकल परिवार है, घर में भी बच्चा आकर के बैठा हुआ है, और माँ जो है हो सकता है वो स्कूल में कोई कोऑर्डिनेटर है, चाहे वो प्रिंसिपल है, वो 7 बजे तक घर नहीं लौटती, वो बच्चा घर में अकेला है जिसको उस समय बहुत तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ती है, अपनी बातों को बांटने की जरूरत होती है, उसके पास कई तरह के प्रश्न होते हैं, वो सब करने के लिए एक मदर भी नहीं होती, तो वहां पर भी एक गड़बड़ हुई है। तो वो सारी चीजों को भी देख करके हमको जो भी कानून है उसका जो इम्पैक्ट है उसको देख करके लागू करना, और ताकि वो सही, एक एक को ठीक करने जा रहे दूसरा गड़बड़ हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। रीता मैम, हम
हमारे आसपास बहुत सारे चाय बागान है और हम आए दिन देखते हैं जो चाय बागान में महिलाएं काम करती हैं, कार्यरत हैं। तो हमने देखा कि सुपरवाइजर या अन्य स्टाफ के पद पर जो है जेंट्स ही नियुक्त होते हैं। तो क्या आप ये मानती हैं कि महिलाओं को भी सुपरवाइजर और या अन्य स्टाफ जैसे पद पर नियुक्त होना चाहिए ताकि वो हमारी जो महिलाएं अन्य जो कार्यरत महिलाएं उनकी समस्याओं को समझ सके? एकदम मैम, ये होना ही चाहिए। आप टी गार्डन देखिए या फिर निर्माण कार्य में देखिए, जो उसका मास्टर जो है, ठीक है, जो उसका हेड जो है और उसके अंदर जो सहकारी जो करती है, जो लेबर होती है, जो ईंट ढोती है, तो अधिकतर मैंने जो मैं खुद का जब मेरा घर बन रहा था मैम, मैं सुनाना चाहूंगी कि उसको वही पसंद था, उस हेड लेबर को, मतलब हेड जो मास्टर था बनाने वाले को, जो उसके साथ प्यार से मीठी 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 बातें करे। ये उसको नहीं चाहिए थे कि कौन ज्यादा काम कर रहा है फीमेल लेबर, कौन कम काम कर रहा है। उसको अपने पसंद की जो है महिला जो है वो इस तरह से, मतलब आपके कार्य के कौशल की दक्षता का भी आकलन, मतलब वो किस तरह से आपको मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरह से आपका शोषण कर रहा है कि आप यदि काम भी कर रही हैं तो सबको काम मिलेगा नहीं। तो एक सुपरवाइजर जो है, एक हेड जो है, एक जीएम जो है, चाहे जिस भी संस्थान में महिलाओं को, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं कह रही हूँ, यहाँ पे सिलीगुड़ कॉलेज में बहुत बार मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे सेमिनार हुए थे, उसमें बार बार उठता है क्यों एक वाइस चांसलर एक फीमेल नहीं होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो उच्च पद है, ठीक है, उस पर महिलाओं का होना बहुत ही जरूरी है ताकि वो उसकी समस्या को समझे, उसको जाने। यदि आप अस्पताल से 2 दिन छुट्टी मिलती है सपोज, तो जो कहा जाता है कि घर में जो महिलाएं हैं वो उसका देखभाल करेगी, आपका अस्पताल में तो नर्स आपकी देखभाल करती है, तो आपके घर में जो वो गृहिणी जिसने उसे कामगार महिला आप मानती भी नहीं, वो अवैतनिक है, बेगार है, मतलब अपने श्रम से आपकी सेवा कर रही है और जो सेवा आपको अस्पताल में नर्स कर रहे हैं वही वो आपको कर रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम उसके कार्य को सही आकलन नहीं कर रहे, चाहे घर हो, चाहे हमारा संस्थान हो, चाहे जहां चीज भी हो। तो एक जो हेड ऑफ द फैमिली हो या फिर संस्थान में जो हेड ऑफ द जो बॉस जो है, आपके कार्यों का सही सही आकलन करेगा, ये इसमें हम मैं सोचती हूँ कि इसमें बहुत ही मतलब असमानता होती है, बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता है और ऊंचे पदों पे महिलाओं का होना बहुत 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 जरूरी है। जहाँ है सफल है मैम। हाँ, मैं अंतिम अपने प्रश्न पर आऊंगी और इसके बाद हम विराम लेंगे अपने कार्यक्रम से, कि जो महिला कामगार स्त्रियां हैं उनके विशेष कौशल विकास के लिए जागरूकता के शिविरों का आयोजन होना क्या जरूरी है? अगर ये इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो वो किस दिशा की ओर आगे बढ़ती हैं? आप थोड़ा हमारा मार्गदर्शन, हमारी महिलाओं का ही मार्गदर्शन करें प्रेरणा जी, जो हमारा कार्यक्रम देख रही हैं। जी, इस टाइप के जो आयोजन होते हैं उनकी कौशल के विकास के लिए ये तो बहुत जरूरी है। उनका जो जैसे वो जो भी काम कर रही हैं उसके विकास के लिए उनको उनमें और क्या चीजें, उनमें अपने आप को वो किस तरीके से और आगे ले जा सकती है, इसका अगर कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है तो इससे उनके काम कौशल को के विकास में काफी मदद मिलेगी, ये तो होना ही चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी जो परिचर्चा है उसको यहीं विराम देते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो परिचर्चा का जो विषय था, शायद जो स्त्रियां इससे जुड़ेंगी आगे भी, हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव होगा तो सुनेंगी, तो शायद उनको कुछ नए आयाम उनको मिले, नई दिशा उनको मिले इस कार्यक्रम से। इसी के साथ जो है हम सभी को धन्यवाद और नमस्कार कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।